हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आप सबको पता होगा गर्मी आ चुकी है, और गर्मियों के अंदर जब लड़ जाती है तो हम पेपर की मदद से हवा लेते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद पेपर की मदद से हवा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में अपने हाथ के अंदर से चलने वाला एक फैन बनाएंगे, जिसे आप अपने हाथ की मदद से चला सकते हैं, और ये बहुत ठंडी ठंडी हवा देगा। और हम इसके अंदर ना ही किसी मोटर का यूज करेंगे, ना ही किसी बैटरी का यूज करेंगे, ना ही हम इसे मोबाइल चार्जर से चलाएंगे। इसे आप सिर्फ अपने हाथ के अंदर से चला सकते हैं। तो फटाफट से अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर प्रेस कर दी। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए एक ग्लू की बोतल। देखिए, आप इसे बड़ी या छोटी बोतल ले सकते हैं। इसके ऊपर के स्टिकर को हम हटा देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। देखिए, मैंने स्टिकर को हटा दिया है, अब देखने में मस्त लग रही है बोतल। उसके बाद हमें इसके आगे की नोजल है ना, इसे कट कर देना है। यहाँ से इसे कट कर देना है। देखिए, सिंपली ये कट हो चुकी है बोतल। देखिए, जैसे आपको इसके अंदर इसे कट कर देना है। देखिए, उसके बाद आपको ऐसा एक पेन लेना है पुराना, देखिए, और इसके अंदर से रिफिल को निकाल लेना है। देखिए, और ये जो हमने कैप लिया था ना, इसके अंदर हमने कट किया था। देखिए, ऐसी एक फ्रीली घूमनी चाहिए, ऐसे आपको एक रिफिल ले लेनी है पुराने पेन की। देखिए, उसके बाद हमें इस बोतल के यहाँ पर एक होल कर लेना है। देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर एक बीच में होल कर लेना है। देखिए, तो मैं यहाँ पर फटाफट से होल कर लेता हूँ। मैंने इस बोतल के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर एक पीछे होल कर लिया है। देखिए, उसके बाद हम ऐसा एक धागा लेंगे। आपको मजबूत वाला धागा लेना है ताकि ये खराब ना हो जल्दी से, और इसे हम इस रिपील पर यहाँ पर इसकी एक गांठ मारेंगे। देखिए, यहाँ पर एक मजबूत से गांठ मारेंगे, और उसके बाद हम फेविक्विक लेंगे और इस रिपील के ऊपर थोड़े एक बूंद डालेंगे ताकि ये धागा निकले नहीं कभी भी। देखिए, अब एकदम ये मजबूत हो चुका है धागा। उसके बाद इस आगे वाले कैप को यहाँ से हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए, उसके बाद इस धागे को है ना, इसके इस पार्ट को हम ये से इसे यहाँ पर होल किया है ना, यहाँ से इसके अंदर से निकाल लेंगे। मैंने इस बोतल के इस होल से इस धागे को बाहर निकाल लिया है। इसे आपको इसे बाहर निकाल देना है। उसके बाद इस रिपिल को अंदर डालना है और इस पीछे की होल की मदद से इसे बाहर निकाल लेना है। पीछे की होल से इस रिपिल को ऐसे निकाल लेना है आपको। देखिए, उसके बाद इस कैप को इसके ऊपर लगा देना है और इसे बंद कर देना है। देखिए, उसके बाद आपको ऐसा एक पंखा लेना है। आप इसे बड़ा या छोटा ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद इसके ऊपर इसको चिपका देना है। देखिए, मैंने इस पंखे को यहाँ पर चिपका लिया है। उसके बाद मैंने इस धागे के एंड पर इस रिंग को लगा लिया है ताकि हमारे हाथ में एकदम अच्छी ग्रिप रहे। उसके बाद आपको इस पंखे को ऐसे घुमाना है, इस धागे को अंदर डालना है। देखिए, चलिए अब हम इस फैन की टेस्टिंग करते हैं। मैं इस फैन की हवा लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितनी ठंडी और कितनी चिल्ड हवा देता है। हम इस फैन की टेस्टिंग करते हैं। आपको इसे अंदर बार करना है। देखिए, देखिए किस तरह से घूमता है फैन। देखिए, इसे बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है। देखिए, आप इससे हवा ले सकते हैं लाइट जाने के बाद। इसके अंदर ना ही किसी बैटरी का यूज किया है, ना ही किसी मोटर का यूज किया है। देखिए, देखिए कितनी तेजी से हवा देता है फैन। देखिए, इसका हवा का अंदाजा आपको ऐसा नहीं दिखेगा। आप इसे बनाएंगे तो आपको लगेगा कितना मस्त हवा देता है फैन। यह हाथ से चलता है, इसके अंदर किसी भी मोटर का यूज नहीं किया है। देखिए, फैन किस तरीके से हवा देता है। देखिए, आप इसे जरूर बनाएं और मुझे नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये फैन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय भारत।